नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने शू पेस्ट्री प्रोडक्ट्स। आज बनाने जा रहे हैं इक्लेयर्स, प्रॉफिट रोल्स एंड क्रोकुम्बाश। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे और कैसे बनेगा हमारा क्रोकुम्बाश, इक्लेयर्स एंड प्रॉफिट। पेस्ट्री बनाने के लिए हमें लेना है वाटर। वाटर के बाद हम डालेंगे उसमें शुगर एंड सॉल्ट, और फिर हम डालेंगे उसमें बटर। बटर के बाद हम डालेंगे उसमें रिफाइंड फ्लावर, जिसको मैदा भी बोलते हैं। एंड फाइनली जब मिक्सचर रेडी हो जाएगा तब हम डालेंगे एग्स। अब देख रहे हैं कि पानी जो है बॉयल होने लगा है। अब इसमें हम डालेंगे शुगर एंड सॉल्ट और इसे मिला लेंगे। बहुत जल्दी ये मिल जाएगा। और इसके बाद हमें डालना है बटर। बटर को हमें मेल्ट कर लेना है। जब ये पूरा मिल जाएगा तब हम लोग ऐड करेंगे फ्लावर। आप देख सकते हैं कि बटर जो है पूरा डिसॉल्व हो चुका है वाटर में। अब हमें डालना है फ्लावर। फ्लावर हम एक बार में ही डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इसे हमें मिलाते जाना है। अच्छे से मिला लीजिए फ्लावर को, जब तक कि ये साइड्स को छोड़ ना दे पैन के। तो ये देखिए, हम अच्छे से मिला लेंगे इसे। टेम्परेचर ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हाई होगा तो आपका वाटर कंटेंट जो है पूरा ख़त्म हो जाएगा। देख सकते हैं कि हमारा ये मिक्सचर जो है पूरी तरह रेडी हो गया है। अब हमें 40 डिग्री सेल्सियस तक इसे कूल डाउन करना है और फिर हम लोग एग ऐड करेंगे। नाउ द मिक्सचर इज़ रेडी। एज यू कैन सी विल बी एडिंग एग वन बाई वन। नाउ वन एग विल बी एडिंग एंड देन विल विस्क इट। Now you can see the mixture is ready. Now we'll put it inside piping bag and then we'll pipe it. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इसे ग्रीस कर ले रहे हैं और ग्रीस करने के बाद हम इसको डस्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें डस्ट कर लेना है अपने बेकिंग ट्रे को। और उसके बाद फिर हमें हमारा पाइपिंग बैग जो है रेडी है। हमने शू पेस्ट्री का जो मिक्सचर था वो इसमें डाल दिया है। अब हम इसके लिए हम प्रॉफिट रोल बनाते हैं। प्रॉफिट रोल का शेप हम दे रहे हैं। जस्ट आपको प्रेस करते जाना है। अब इक्लेयर्स के लिए हमें स्ट्रेट इसको खींच देना है। तो अब हमने अपने शू पेस्ट्री प्रोडक्ट को बेक करने के लिए डाल दिया। आप देख रहे हैं ओवन का टेम्परेचर हमारा 220 से ऊपर है। ऊपर का नीचे 200 भी रहेगा तो चलेगा। तो देखिए एक बार देखते हम लोग कि वो कैसे रेज हो रहा है। आपको दिख रहा होगा वो कैसे रेज हो रहा है। एक बार ये बेक हो जाएगा फिर आपको दिखाऊंगा मैं बेक होके ये कैसा दिखता है। देखते हैं कि मैंने इसमें होल बना दिया है छोटा सा। अब इसमें हम लोग पाइपिंग कर देंगे व्हिप क्रीम का। इसके अंदर आप व्हिप क्रीम के साथ में चॉकलेट का भी पाइपिंग कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। तो ऐसे आपको पाइपिंग करते जाना है ताकि अंदर जो है वो क्रीम जो है वो पूरे अच्छी तरीके से भर जाए। तो हमें क्या करना है, इसे मेल्टेड चॉकलेट में हल्का सा इसे डिप करना है। और डिप करने के बाद में फिर हमें क्या करना है कि इसे प्लेस कर देना है एक कूलिंग रैक पे, ताकि जो एक्सेस चॉकलेट है वो नीचे गिर जाए। तो ये देखिए ये रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर जो है हम लोग वाइट चॉकलेट से थोड़ा सा टॉपिंग कर देंगे। आप देख सकते हैं, तो आपको इस तरीके से टॉपिंग कर देना है वाइट चॉकलेट का। और ये हमारा प्रॉफिट रोल रेडी हो गया। इसको भी हमने व्हिप क्रीम से फिलिंग कर दिया है। अब इसको भी हम लोग डिप कर देंगे चॉकलेट, मेल्टेड चॉकलेट के अंदर, और फिर इसे हम प्लेस कर देंगे कूलिंग रैक पे। तो ये हमारा इक्लेयर्स हो गया। साइज आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, साइज थोड़ा बड़ा है, छोटे भी हो सकते हैं, इट्स अप टू यू, आप कैसा करना चाहते हैं।
फ्रेश बनाने के लिए हमें एक ऐसा जो है इसको बना के रखना है। और देखिए कि यहाँ पे इसका मैंने आँख बना दिया है। अब मैं क्या करूँगा, इसे टक इन कर दूँगा इस प्रॉफिट रोल जो आप देख रहे हैं, ये प्रॉफिट रोल के अंदर। तो ये बन गया हमारा स्वान इक्लेयर्स। बनाने के लिए हमें शुगर को कैरमलाइज कर लेना है, एक कॉनिकल स्ट्रेनर लेना है, उसमें हम लोग ये कैरमलाइज शुगर को स्प्रिंकल कर देंगे ताकि वो एक लेयर बन जाए, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत लेयर बन जाए ताकि वो आराम से डीमोल्ड हो जाए जैसे ही वो कूल डाउन हो। तो हमने एक लेयर बना दिया है इसके ऊपर। अब हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे वन बाई वन जो है हम इसके ऊपर चिपकाते जाएंगे। बहुत गर्म रहता है, तो इस तरीके से हमें स्टैक करते जाना है वन बाई वन। कि इसको हमने पूरा फिल कर दिया है और कैरमल से चिपका दिया है हमने प्रॉफिट रोल्स को। अब थोड़ी देर के बाद हम इसे डीमोल्ड कर देंगे, इसे बाहर निकाल देंगे और आपको पिरामिड शेप का एक डेजर्ट मिलेगा जिसका नाम है क्रोकुम्बश। ये हमारा पिरामिड शेप डेजर्ट जो है वो रेडी हो चुका है, आप देख रहे हैं, और इसी का नाम है क्रोकुम्बश, एक इलाबोरेट पिरामिड शेप डेजर्ट है ये। तो आप देख सकते हैं कि हमारा शू पेस्ट्री प्रोडक्ट रेडी है। दिस इज क्रोकुम्बश इलाबोरेट पिरामिड शेप डेजर्ट। ये है क्रोकुम्बश, यहाँ पे स्वान इक्लेयर्स है, यहाँ प्रॉफिट रोल्स है, ये इक्लेयर्स है। धन्यवाद आज के लिए। कैसा लगा हमारा रेसिपी बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। धन्यवाद।